नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है, कृषि फसलों का वायदा बाजार मंदी में कारोबार कर रहा है या तेजी में, और आगे वो कौन सी कृषि फसलें रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। एक्सपर्ट्स के द्वारा कृषि फसलों के टॉपिक्स जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां पे कैसा सीड से। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कैसे सीड का दिसंबर वायदा 6494 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। कैसे सीड की कीमतों के अंदर अब धीरे धीरे तेजी बनती नजर आई है। 6500 का लेवल टच करने के बाद कैसे सीड एक बार फिर से 6400 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा था, और आज देख रहे हैं कि इंट्राडे में कैसे सीड ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है, और 6500 के लेवल को छूने में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है। और हो सकता है कि आज की क्लोजिंग होते होते, आज का कृषि फसल का वायदा बाजार क्लोज होते होते, कैसे सीड की कीमतों में 6500 का लेवल देखने को भी मिल जाए। तो ओवरऑल कैसर में अभी 6500 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से बात करें यहां से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2765 पर है, 2799 का ही लग चुका, आधे फीसदी की तेजी है। बिनौला खल में भी देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले शाम में तेजी बनती नजर आ रही है। तो अब यहां से कृषि फसलों का वायदा बाजार आगे मंदी में रहेगा तेजी में, और कम्युनिटीज में कैसा रुझान रहेगा मंदी वाला तेजी वाला, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहूंगा। हमने बीते कारोबारी सप्ताह कैसे सीड में 6500 के लेवल्स टच होते हुए देखे थे, उसके बाद फिर से 6400 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ दिखा। आज देख रहे हैं कि 6500 के लेवल से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है। आपको क्या लगता है, क्या आज क्लोजिंग होते होते 6500 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, और क्या कल से कैसे सीड में 6500 या फिर उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी देखिए, पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 हफ्तों से, कि जैसे हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि 6250 और 6600 का जो एक रेंज है या एक दायरा है वो बना हुआ है, लेकिन इसका जो रुझान है वो ऊपर की तरफ ज्यादा है, यानी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी एक ब्रेकआउट देके एक क्लोज दे सकता है 6500 का, और आने वाले कुछ सेशंस में 6620 तक के जो लक्ष्य हैं वो हासिल हो सकते हैं। सो बस यही कहना चाहूंगा कि बाय ऑन डिप की जो रणनीति है वो अभी भी अडॉप्ट की जा सकती है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो करंट मार्केट पे लिया जा सकता है 6430 के नीचे के स्टॉप रख के, और लगभग 6610 से 6620 के टारगेट लिया जा सकता है। जी, तो यानी कि कैसर में 6500 के लेवल टच होने की पूरी उम्मीद है, उसके बाद कुछ ट्रेडिंग सेशंस बाद जब 6500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, फिर 6600 के भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। ये सब जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने कल के कारोबारी सत्र में 2800 के ऊपर का हाई लगता नजर आया था, हालांकि वहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली। आज देख रहे हैं एक बार फिर से बिनौला खल 2799 का हाई लगा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह बिनौला खल में 2800 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी, मुझे लगता है कि 2800 के स्तर जो है वो एक बार बाजार छू भी सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है। इसके पहले जिस तरह हमारी बात हुई थी कि 2600 से 2650 का जो एक रेंज है, अगर वो निकल जाता है तो हम 2800 तक के स्तर देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक इमीडिएट टारगेट है, लेकिन अगर उससे थोड़ी एक लंबा नजरिया लें तो 2880 तक के लेवल भी एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर दिखाई देने की संभावना दिख रही है। जी, ये सब में जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने धनिया जीरा में अच्छी तेजी बनती देखी है, उसके बाद से देख रहे हैं एक बार फिर से जो मसालों का बाजार है वो सुस्ती के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हमने 16600 के ऊपर के लेवल्स होते ट्रेड करते हुए देखा था जीरे को, अब देख रहे हैं 15800 के लेवल्स हैं। बात करें धनिया की, तो धनिया में हमने 9100 के लेवल टच होते हुए देखे थे, उसके बाद अब सीधे 8500 के लेवल पर है, और हल्दी में 7600 से 7400 का एक रेंज बाउंड देख ही रहे हैं हम। आपको क्या लगता है, मसालों में ये जो कंसोलिडेशन वाला एनवायरनमेंट है ये कब तक आगे जारी रहेगा? जी देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो जीरे में एक करेक्शन की संभावना है, जहां पर दाम जो है 15550 तक आ सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि साल की संभावना बनेगी 16300 तक। तो मीडियम टर्म के लिए अभी भी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म यानी 4 से 5 सेशन की बात करूं तो मुझे लगता है करंट लेवल से करीबन 2% की एक गिरावट देखने मिलेगी।
वहीं पर अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी में भी मुझे एक दायरे का कारोबार नजर आता है अगले दो हफ्तों तक, और ये जो दायरा है ये ब्रॉडली 7,800 से लेकर 7,350 का होगा। यानी फिलहाल जो है प्राइजेस निचले तरह के निचले दायरे के करीब है, तो वहां से दोबारा एक उछाल आने की संभावना बनी हुई है। और वही बनने की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि यहां पर हालांकि फिलहाल दायरे में है, लेकिन ओवरऑल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है, और दोबारा जो 9,100 के ऊपर के स्तर थे वो हमें आने वाले दो हफ्तों में दिखाई दे सकते हैं। तो वंस अगेन अगर 8,300 से 8,400 के बीच मिलता है तो वहां पर बाई पोजिशन बनाई जा सकती है। ये सब मुझे नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में देख रहे हैं कि हम आज जाके कुछ हल्की सी रिकवरी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये रिकवरी यहां से जारी रहेगी या फिर ग्वार गम ग्वार सीड में फिर से निचले स्तर और देखने को मिलेंगे और गिरावट और ज्यादा गहराएगी? जी, जहाँ तक ग्वार सीड का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और गिरावट बाकी है, क्योंकि अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है। बॉटम आउट होने के पहले एक बार प्राइजेस जो है वो 5,550 के स्तर को छू सकती है, तो एक नया रीसिंग लो देखने मिलेगा। जो करंट पे भी है हो सकता है हमें 100 रुपए और एक्सटेंड होते हुए दिखे, हमें 6,000 के काफी करीब प्राइजेस आते हुए दिखे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की तेजी है या सस्टेनेबल हो, मुझे लगता है ओवरऑल 5,600 के नीचे जा सकता है, स्टेबल हो सकती है ग्वार सीड में। उसी प्रकार ग्वार गम में करीबन 9,800 से 9,900 के बीच एक बार स्टेबिलिटी देखने मिलेगी, और जो करंट पुल बैक है, जिसे मैं एक पुल बैक टेक्निकल पुल बैक की बात करें, वो हो सकता है कि हमें 10,900 तक ग्वार गम में देखने मिले, और उसके बाद दोबारा अब बिकवाली हावी होते हुए दिखा। जी, तो अमित जी क्या माना जाए, क्या आपने जैसा बताया कि अभी ग्वार गम में एक अभी और गिरावट वाला माहौल देखने को मिल सकता है, कीमतें और ज्यादा नीचे गिर सकती हैं, तो क्या इस टेक्निकल तेजी में ऊपरी स्तर से बिकवाल करके चलना सही रहेगा ग्वार में? जी, की जा सकती है। 6,000 के जो स्तर है वो एक या दो सेशन में देखने मिलेंगे, तो वहां से एक बार फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 5,600 के करीबन लक्ष्य। जी, यही समय जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने लास्ट वीक 6,900 के ऊपर के लेवल्स देखे थे, लेकिन वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली। फिर कल के कारोबारी सत्र में हमने 6,093 यानी कि 6,093 के भी लेवल्स टच होते हुए देखे, तो ओवरऑल देख रहे हैं कि लगभग 800 से 900 का लेवल गिरता नजर आया था, लेकिन आज देख रहे हैं 5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है और 6,400 के ऊपर एक बार फिर से सोयाबीन ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सोयाबीन में जो तेजी है ये फंडामेंटली है या फिर टेक्निकली है, और क्या ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है? जी, मेरे ख्याल से दोनों का इंपैक्ट है, टेक्निकल बाउंस बैक की भी जरूरत थी, लेकिन फंडामेंटली जो रुझान है या जो रुख है वो ऊपर की तरफ है, तो ये बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो पहले की तेजी थी उसकी रिजम्पशन यानी फिर से शुरुआत हो चुकी हो एक बड़ी करेक्शन के बाद। और 5,600 से 5,700 के जो लेवल थे, जो हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि काफी अभी इम्पोर्टेंट है पोजिशनल बेसिस पे, जब तक ये स्तर नहीं निकलते तब तक डिप पे बाइंग की जा सकती है, और इस बार अगर तेजी आती है जो मेरे हिसाब से आ सकती है तो हम 7,000 के ऊपर के भी स्तर देख पाएंगे, और मुझे लगता है कि 7,150 तक के स्तर देखने मिलेंगे पोजिशनली वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। 6,650 का एक लक्ष्य इमीडिएट तौर पर लेकर चला जा सकता है। जी अमित जी, हमने पोल्ट्री से भी काफ़ी सारी मांग देखी है, सरकार जो पोल्ट्री मांग कर रही है सरकार से कि जो सोया DOC की जो इंपोर्ट की जो टाइम पीरियड है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए और मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है? जी देखिए, टेम्पररी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, और हमने वो जो आपने जो बात बताई वो डिस्काउंट होते हुए ही देखा है। अब ये फैसला किस तरफ आता है उसके ऊपर फिलहाल निर्भर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सोयाबीन में अगर गिरावट आती भी है तो काफी हद तक लिमिटेड होगी। मैं 6,000 से ज्यादा नीचे प्राइसेस को जाता हुआ नहीं देखता हूँ पोजिशन को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस गिरावट से भी दोबारा एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ये गिरावट आती भी है। जी अमित जी, हमने हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट आते हुए देखा है ओमिक्रॉन, इसकी वजह से हमने बीते कारोबारी सप्ताह कमोडिटी बाजार को टूटते हुए भी देखा था, चाहे एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो। आपके अकॉर्डिंग अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा हावी होता है तो इसका असर कमोडिटी बाजार पर कितना देखने को मिल पाएगा, और क्या कमोडिटीज़ में तेजी रहेगी उस दौरान या मंदी?
जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखने की होगी कि अगर ये जो वायरस है या उसके असर है, उसका असर कितना हानिकारक होगा, हॉस्पिटलाइजेशन कितनी होगी, और सेकेंडली लॉकडाउन उस वजह से कितने होता है, क्योंकि अगर रियल इकोनॉमी पे उस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता, एक्सटेंडेड लॉकडाउन नहीं होते जो हमने दो बार ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले दो सालों में, अगर उस तरह उस प्रकार की जो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सस्टेनेबल इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इनफैक्ट ये जरूर हो सकता है कि जो हमें रनअवे इन्फ्लेशन देखने मिल रही है यूएस में या इंडिया में, हो सकता है वो टू एन एक्सटेंड थोड़ी सी डिमांड शॉर्ट टर्म में कमी आने की वजह से थोड़ा बहुत उन्हें टाइम मिल रहा है सप्लाई की बढ़ोतरी करने के लिए, तो ये हो सकता है कि इनडायरेक्टली अच्छा भी हो कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है वो काफी हीटअप हो गई है, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, लेकिन बहुत ही एक्सटेंडेड या बड़ा हिट इकोनॉमी पे आने का मुझे यू नो पॉसिबिलिटी कम लग रही है, और उसी वजह से कमोडिटीज पे भी जो हिट होगा वो टेम्पररी हो सकता है, लेकिन बहुत ही प्रोलॉन्ग हिट मुझे नहीं लगता आएगा। जी अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? जी मेरे हिसाब से बिना फंड में बाई की जा सकती है, करंट मार्केट पे भी बाई किया जा सकता है, और साथ ही मुझे लगता है कि एक बार सोयाबीन 6650 के लक्ष्य के लिए बाई करके चले जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि बिनौला खल और सोयाबीन इन दोनों ही कम्युनिटीज़ में खरीदारी में रहा जा सकता है, उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप उन लेवल्स को अचीव करने के लिए खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका इंजॉय नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एम सी वी पर।